तो आपको जो है ना 220 110 का जो तरीक़ा है सऊदी अरब में, वो आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब देखें आप लोग, उसके बाद 380 का भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखें, ये तीन जो कलर नज़र आ रहे हैं आपको, ब्लू, येलो और रेड, ये तीनों फेज है ये। और जो ब्लैक है वो तो न्यूट्रल है, आपको पता है। अगर नहीं है तो ये देख लो आप। अब ये ब्लू और येलो में मैं लगा दिया हूँ, ये देखें 230 बता रहा है इसमें। अभी मैं ये ब्लू ये और ब्लैक में दूंगा तो देखिए इधर 110 दिखा रहा है, 132 है ये, 110 में गिना जाता है इसको इसको। अब ये लास्ट वाला भी जो ना न्यूट्रल ही है। अब तीनों फेजों में हम किसी में भी लगाएंगे ये, तो आपको 110 ही दिखाएगा ये, यानी 110 यानी 132 यानी, ठीक है। ये 220 हो गया, दो फेजों को ले लेंगे हम तो ये 229-30, कोई मसला नहीं है, इसको 220 में गिना जाता है इसको। तो ये जो मीटर है यहाँ पर 110-220 इस वक्त जो है ना चालू है, बिजली जो यहाँ पर घरों में इस्तेमाल करते हैं। और 380 में तीनों फेज होते हैं और न्यूट्रल होता है, तो हम वहाँ पर दो फेज नहीं लेंगे। ये दो फेज है ना, ये दो फेज लेंगे अगर तो जो है ना 380 दिखाएगा, 380 बिजली जो होती है। तो फिर हम जो है ना क्या करेंगे, एक फेज लेंगे एक न्यूट्रल लेंगे, तब जाके जो है ना वो 220 बनेगा। 380 में और 220 में यही फ़र्क है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा एहसान तरीके से बता देते हैं, मैं पूछूंगा और ये आप लोगों को बताएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह इजी समझ में आए। उस्ताद जी सबसे पहले ये बताएं कि अगर एक तबलून है या अदात है उसमें हम अगर चेक करेंगे 380 वोल्ट करंट आ रहा है, उसमें हमें लेना है 220, आप पहले ये बताएं। और 280 क्यों है और 220 एक तो अदाद में क्यों आता है, और दूसरे जो मीटर होता उसमें 220 और 110 क्यों आता है, इसमें थोड़ा सा गाइड करें। यहाँ पे अभी यानी लगा लें ये 220 है, सबसे पहले क्या करेगा वो जो आदमी काम करने वाला होगा, सबसे पहले क्या मीटर से चेक करना पड़ेगा तीनों फेज को? जाहिर बात है बिल्कुल, अपने पास मीटर रखें अपने साथ, ताकि जो है ना आपको पता चले कि जो है इस मीटर में आपको पता चल जाएगा कि भाई 110, 220 और 380 बिजली है। यानी अगर 220 है तो कौन से फेज पहले चेक, तीनों फेज में चेक करेगा क्या करके देखा? अभी इस वक्त जो है ना 220 आपको चेक करना है, ये मीटर है ये देखें, दो फेज में लगाऊंगा इधर में मैं, यानी कोई दो में से कोई दो दो फेज यानी ठीक हो गया। अभी यानी अब लगाएं थोड़ा सा दिखाएं, अभी अगर इन दोनों अभी दोनों फेज लिए हैं ठीक है, दोनों फेज लेने के बाद यहाँ पे हमें जो करंट मिल रहा है वो 230 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 300 यानी 220 ही हमें करंट लेना है तो हमें दोनों फेज ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दूसरी बात, कुछ दोस्त ये भी पूछते हैं कि दोनों फेज हैं ये कैसे होगा कैसे होगा। भाई जी जब ये 220 होगा अब दोनों फेज लेंगे तो आपको दोनों पे टेस्टर जलेगा, वहाँ आपको न्यूट्रल की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अगर न्यूट्रल 220 तीनों फेज में अगर 220 होगा तो फिर आपको जो है ना 200 दोनों फेज ही लेने, कोई भी ले लो तीनों में से दो फेज, ये रेड ले लो, येलो ले लो, ब्लू ले लो, दो ले लो, 220 मिलेगा। अगर आप न्यूट्रल एक लोगे एक फेज लोगे तो 110 बनेगा, ऐसे ही है? बिल्कुल। अभी दिखाया ना मैं तो 110 का बिजली नीचे में, हाँ अभी वो एक न्यूट्रल लिया है तो ये देख सकते हैं आप 120-32-10 जैसा भी होता है, ठीक हो गया। ये देखें ये 132 आ रहा है, 220 110 भी नहीं आता, ये भी, ये तो हो गया 220। ये 220 और 110 क्यों किसकी वजह से आता है, ट्रांसफार्मर का मसला है? ट्रांसफार्मर ये जो ऊपर में ट्रांसफार्मर है इधर दिखाओ इस तरफ, ये वाला हाँ। ट्रांसफार्मर में सेटिंग होती है ठीक है, तो ये जो सेटिंग है इसके अंदर में वो लोग करते हैं, अगर 320 करना है तो यहाँ कर सकते हैं वो लोग, मगर नहीं करेंगे क्योंकि घर में जो रिक्वायरमेंट्स है फ्रिज हाँ। वगैरह हर वो चीज़ 220 की है, 220 की जरूरत उनको है, 220 वो नहीं करवा रहे, 380 का 110 के भी है कई घरों में। तो यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये सब जो सेटिंग होती है ये ट्रांसफार्मर की है जो होती है, बाकी पीछे से कुछ नहीं होता, करंट 11 के भी वो सेम ही है।
तो यानी ये ट्रांसफार्मर फार्मर का फर्क होता है, डिफरेंस होता है। वो कहीं पे 380 वाला जैसे हमारे पाकिस्तान इंडिया या बांग्लादेश में होता है, वो 380 और 220 है। वहाँ पे एक न्यूट्रल इस्तेमाल करते हैं, एक फेस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो अगर तीनों फेस में अगर 220 मिलेगा हमें, तो फिर हमें दोनों फेस ही लेने, न्यूट्रल नहीं लेना पड़ेगा। अगर 110 चाहिए तो फिर एक न्यूट्रल और एक फेस लेना पड़ेगा, ऐसे ही है। इस तबलून में 380 में 220 हो सकती है बस, यानी 380 वाले में 220 हो सकती है, 110 नहीं हो सकता, वो जहाँ से भी आप एक न्यूट्रल लोगे तो 220 ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर अभी जो सऊदी गवर्नमेंट है अभी 380 करने वाली है, 4-5 साल के अंदर में 380 हो जाएगी, यानी 220 निकाल दिया, यानी पूरा ही 380 हो जाएगा, वो सेम टू सेम एक न्यूट्रल और एक वो फेस 220 बन जाएगा। क्योंकि घर में तो 220 ही इस्तेमाल होता, 380 का कोई काम ही नहीं है, वो मोटर बड़ी बड़ी चलाने, यहाँ ट्यूबवेल का मोटर हो गया बड़ी बड़ी, 4-4, 5-5 हज़ार वाट वाली, वहाँ पे 3 फेज का काम होता है। तो बस तो आप लोग जो है ना वीडियो को देखें और सीखें कुछ, जो लोग काम करना चाहते हैं सऊदी अरब में इलेक्ट्रिशियन, और हम प्लम्बरिंग का भी काम करते हैं, प्लम्बर भी आपको दिखाएंगे, वीडियोज डालेंगे, उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।